तो हेलो खुरापाती फैमिली भाई, आज हमारे पास हैं ये फेवी क्विक और इनका क्या यूज़ है इसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मजबूती से चिपकाने, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए जितनी ज़्यादा ये पॉपुलर है शायद कोई और हो। तो भाई मजबूती से चिपकाने के लिए जानी जाने वाली इस फेवी क्विक का आज हम लेंगे एक टेस्ट। गाइस टेस्ट होगा इसके वेट का। आप देख पा रहे होंगे मेरे पास दो पैकेजिंग में फेवी क्विक है, एक ये बड़ी वाली है और ये छोटी छोटी हैं। ये 50 रुपये की है और 50 रुपये की भी ये हैं। ये हर एक का प्राइस 5-5 रुपये है और ये एक 50 रुपये की है। आज हम इन दोनों का वेट टेस्ट करेंगे कि इसमें ज़्यादा निकलेगा या फिर इन सभी को मिलाकर ज़्यादा फेवी क्विक निकलेगा। तो इनका वेट करने के लिए हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉनिक वेट स्केल। सबसे पहले इस बड़ी वाली को लेते हैं। वैसे ये है, आप पढ़ सकते हैं, पीडी लाइट की ये है और पीडी लाइट की भी ये है। इस पे फेवी क्विक लिखा है और इस पे फ्लेक्स क्विक, मतलब सेम ही है। ये भी चिपकाने के काम आती है और ये भी चिपकाने के, एक ही कंपनी की हैं दोनों। वैसे मैं इस बड़ी वाली का वेट बता दूं, इस पे लिखा भी है, नेट वेट है गाइस 20 ग्राम और यहाँ पर आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम इस सीसी के साथ ही इसका वेट करके देखते हैं ये कितने ग्राम की है। तो भाई इसका वेट आप देख सकते हैं 27 ग्राम है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 27 ग्राम इसका वेट है बोतल के साथ। चलिए इसके अंदर की फेवी क्विक निकालते हैं। फेवी क्विक निकालेंगे हम इस प्लास्टिक के गिलास में। इसका वेट तो चलो कुछ नहीं आया, हम मान के चल लेते हैं 1 ग्राम शायद होगा, लेकिन अभी तो कुछ आया नहीं। तो भाई मैंने पूरी कंजूसी के साथ इसके अंदर की सारी फेवी क्विक निकाल दी है और इसका वेट आया है 19 ग्राम इस गिलास के साथ। गिलास का भी आई थिंक 0.5 ग्राम या 1 ग्राम मान लो, यानी कि इस सीसी के अंदर जो 20 ग्राम लिखा था वो लगभग पूरा है। अब भाई बारी है इन छोटी छोटी फेवी क्विक की, चलो इनका भी वेट करते हैं। ये ले लिया मैंने गिलास, भाई इनके अंदर से निकालना थोड़ा मुश्किल है यार, पता नहीं, इतनी तो होती है, बड़ी मजबूती से दबाव तो निकलता है। देखो वैसे इस पे वेट पड़ा होगा गाइस, इस पे है 500 मिलीग्राम, यानी कि 0.5 ग्राम है, आप देख सकते हैं 500 मिलीग्राम। तो गाइस अगर यहीं से हम कैलकुलेशन करें तो 10 है ये हमारे पास 50 रुपये में, तो भाई ये तो 5 ग्राम ही बना और ये 50 रुपये में 20 ग्राम, भाई 15 ग्राम का डिफरेंस, ये क्या है भाई। वैसे गाइज मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि इस इतने पॉपुलर ब्रांड को टारगेट करने का, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये टेस्ट था कि भाई किस में सेम प्राइस में हम बड़ी पैकेट लें और छोटे पैकेट लें तो उसमें वेट बराबर निकलता है, माल बराबर निकलता है या उनमें कुछ डिफरेंस होता है, बस यही देखना था। तो भाई आप देख सकते हो कंपनी ने लिखा है 10 हैं ये हमारे पास 50 रुपये में, यानी 5 ग्राम और बड़ी वाली में 20 ग्राम, 15 ग्राम का डिफरेंस, यार ये क्या है भाई। तो चलो यार एक बार इन्हें निकाल कर भी टेस्ट करते हैं, इस वेट करते हैं इनको। तो भाई इनका रैपर के साथ ही टोटल वेट आया है 18 ग्राम, वाह भाई रैपर के साथ ही इनका वेट है 18 ग्राम। तो भाई आज होने वाला है कमाल का टेस्ट। तो भाई ये रखता हूँ मैं इसके ऊपर, ये निकाली फेवी क्विक।
सारी निकल जाएगी। निकल जाना भाई, पूरी कंजूसी के साथ बूंद बूंद निकालूंगा, दो बूंद जिंदगी के भाई। निकल जा, खाली हो चुकी है लगभग। चलो तो भाई 10 5 रुपए वाली फेवी क्विक में से इतना निकला है। चलिए इसका वेट करते हैं। तो भाई वेट आया है 6 ग्राम। आई थिंक थोड़ा बहुत 1-2 ग्राम इनमें भी रह गया हो शायद, इतनी 1-2 ग्राम इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा, हम मान सकते हैं 7 या 8 ग्राम। और तो भाई डिफरेंस हुआ 12 ग्राम का, अगर वो लिखा हुआ है उसको भी मान लें तो 15 ग्राम का डिफरेंस, और यहाँ पर रिजल्ट के हिसाब से लगभग 12-13 का डिफरेंस। तो भाई ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है भाई, वो तो काम के ऊपर है, जिसको सिर्फ थोड़ी सी की ज़रूरत है वो ये ले ले, वो 50 वाली क्यों लेगा, 5 रुपये में काम चला ले। और भाई जिसको ज़्यादा फेविक्विक की ज़रूरत है तो भाई वो डेफिनेटली इस बड़ी फेविक्विक को ही ख़रीदे, इसमें उसे फ़ायदा है भाई। यहीं से ही देख सकते हैं, देखो ये इत्तू सा है, ये देखो नीचे, और ये देखो ये इस बॉटम लाइन को, ये इस वाली को भी क्रॉस कर गया है, और ये यहीं से नहीं ऊपर उठा है, देखो कंपैरिजन कर सकते हो। तो भाई अब आप कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम तो ये रिजल्ट देखकर सच में शॉक रह गए। तो गाइज मिलते हैं अब ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।